जय हिंद भाइयों, आप सभी का स्वागत देसी टेक अड्डा में। मेरा नाम है साहिल हुसैन। भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टिकटॉक वीडियो अपलोड करने का सही टाइम क्या है जिससे आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक करिएगा, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल कलर का बटन दबाकर बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो भाइयों, टिकटॉक में कुछ ऐसा एल्गोरिथम होता है कि अपनी वीडियो जब 15 सेकंड की आप बनाते हैं तो अगर पब्लिक 10 सेकंड तक आपकी वीडियो वॉच करती है तो वो रैंकिंग जाने लगती है, जिससे आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपकी वीडियो वायरल हो जाती है। तो इसी से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आप टिकटॉक पर वीडियो डाला करिए, यूनिक वीडियो डाला करें जिससे आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएँ। तो भाइयों, मैं आपको एक सही टाइम बताता हूँ। जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके वीडियो पे व्यूज़ आएंगे तो लाइक्स आएंगे, लाइक्स आएंगे तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। ठीक है भाइयों, तो सबसे पहले आप काम क्या करिए, अपनी वीडियो संभव कोशिश करा करिए कि संडे को बनाया करिए, छुट्टी के दिन। अगर कोई भी आपका छुट्टी का दिन होता है, जैसे कि संडे हो गया या फिर बीच में कोई सेकेंड सैटरडे पड़ गया जिसमें कुछ ना कुछ पब्लिक जो है हॉलीडे पर रहे, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग जो हॉलीडे पर रहते हैं तो सबसे ज़्यादा नेट ही कोसते रहते हैं। ठीक है, तो नेट पर सबके पास टिकटॉक की एप्लीकेशन मौजूद होती है, उनके मोबाइल में टिकटॉक की एप्लीकेशन जो मौजूद होती है काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन होती है। अगर आप चाहते हैं टिकटॉक पे फेमस होना या फिर टिकटॉक पे बहुत अच्छी वीडियो बनाना, तो भाइयों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टिकटॉक पर जो भी वीडियो डालिए छुट्टी के दिन डालिए। छुट्टी के दिन मेरा मतलब है कि संडे हो गया, सेकेंड सैटरडे हो गया। अब बात आती है कि छुट्टी के दिन तो सर डालें, लेकिन छुट्टी के दिन किस टाइम पर डालें, तो मैं आपको बता देता हूँ 12 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक आपने वीडियो डालने का सही टाइम होता है। इस पर पब्लिक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है। ठीक है, और वर्किंग डेज में आप डालेंगे तो यही समय पर डालिए, और छुट्टी के दिन तो आप पूरे दिन में कभी भी डाल सकते हैं। छुट्टी के दिन कोई ऐसा टाइमिंग फिक्स नहीं है, छुट्टी के दिन आप कभी भी डालिए तो आपकी वीडियो पर व्यूज़ आएंगे। ठीक है भाइयों, क्योंकि पब्लिक को अपनी वीडियो 10 सेकंड तक आपको दिखाना है। ठीक है, ऐसे ही SEO करके, जैसे कि हमारे YouTube में होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO का मतलब होता है, वैसे ही अपनी वीडियो को सर्च इंजन में लाने की कोशिश करा करिए TikTok में, काफ़ी अच्छे अच्छे यूनिक तरीके से बनाकर। ठीक है भाई, तभी आपकी वीडियो वायरल होगी। काफ़ी लोग कहते हैं मेरी वीडियो वायरल नहीं होती, मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते, तो भाइयों इसका सबसे बड़ा कारण टाइमिंग भी हो सकता है। अगर आप सही टाइमिंग रखेंगे तो आपकी वीडियो पे व्यूज़ भी आएंगे, लाइक्स भी आएंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, और आपका जो फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपको लोग जानेंगे, और आप एक दिन टिकटॉक के स्टार भी बन सकते हैं। भाइयों काफ़ी अच्छा होता है टिकटॉक अगर आप चलाते हैं तो, आपने नए नए वीडियो कंटेंट बनाइए, इससे एक्टिंग स्किल भी आपकी सुधरती है। तो भाइयों बस एक छोटी सी वीडियो बनाकर मैं आपको समझाना चाहता था कि बेस्ट टाइम पर अपनी वीडियो अपलोड करा करिए। बेस्ट टाइम मैंने आपको बताया छुट्टी के दिन 12 से 3 बजे तक का सही टाइम है, और वर्किंग डेज़ में तो शाम के टाइम अपनी वीडियो अपलोड कर दिया करिए, दोपहर में ज़्यादा अच्छा रहता है। शाम के टाइम इतनी पब्लिक एक्टिव नहीं रहती है क्योंकि आजकल सबके पास जियो हो गया, तो जियो में नेट ख़त्म होने लगता है दिन में। शाम में 1.5 GB मिलता है, अगर आप कोई भी रिचार्ज कराए होंगे तो 1.5 GB आपको पूरा दिन में शाम तक ख़त्म हो जाता है। इसलिए मेरा मानना यही है कि सुबह के टाइम नहीं, दोपहर में 12 से 3 बजे तक, और छुट्टी के दिन भी अपलोड करना, छुट्टी के दिन ज़्यादा वीडियो अपलोड करिए, और वर्किंग डेज में आप एक भी वीडियो अपलोड कर देते हैं तो आपके लिए बहुत होता है। ठीक है, आशा करता हूँ भाइयों आपकी वीडियो ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।